हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की है। एक्सेस में देखिए मिनिमम का फॉर्मूला लगाना, देखिए एसक्यूएल व्यू में जाकर थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है लेकिन आसान है वो भी। लेकिन ये देखते हैं एसक्यूएल व्यू का यूज नहीं करेंगे तो अगर हमको मिनिमम पता करना है तो कैसे पता करेंगे, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले तो हम एक न्यू फाइल लेंगे। ठीक है, यहाँ से न्यू फाइल लेते हैं, पूरा डिटेल बताता हूँ आपको। और यहाँ से ब्लैंक डेटाबेस लेंगे, तो ब्लैंक डेटाबेस पर क्लिक किया, यहाँ पर आए। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिए ये जो व्यू दिया हुआ है ना, यहाँ व्यू पे क्लिक करना है और ये डिजाइन व्यू पे आना। जैसे डिजाइन व्यू पे आएंगे तो स्टूडेंट एम कर देते हैं मार्कशीट, स्टूडेंट एम इसे नाम दे दिया, मार्कशीट कुछ भी नाम दिया जा सकता है। और यहाँ स्टूडेंट का रोल नंबर आएगा, तो देखिए रोल नंबर जो है प्राइमरी की है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये रोल नंबर जो है प्राइमरी की है और इसे ऑटो नंबर रखा, ये डेटा टाइप है, यहाँ पे ऑटो नंबर रखा, आप चाहे तो कुछ और भी रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट का नेम आएगा तो यहाँ पे नेम कर देते हैं, और यहाँ पे सारे स्टूडेंट का नेम आएगा तो यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट रखेंगे। ठीक है, अगर आप 2007 यूज कर रहे हो तो वहां पे टेक्स्ट मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आएगा मार्क्स, तो कंप्यूटर के मार्क्स यहाँ पे स्टोर कराने हैं। ठीक है, और इंग्लिश के मार्क्स यहाँ स्टोर कराने हैं और मैथ्स के यहाँ पर, तो तीनों के मार्क्स हम यहाँ पे स्टोर करा देंगे। तो यहाँ MATHS मैथ्स लिख दिया तो ये हो जाएगा, तो तीनों के मार्क्स स्टोर हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जो कंप्यूटर है ना, ये जो नंबर डेटा टाइप होगा, ठीक है, और ये जो है ना यहाँ पर भी नंबर डेटा टाइप होगा और यहाँ पर भी नंबर डेटा टाइप होगा। यहाँ पे आप चाहे तो टोटल कर सकते हैं, फिलहाल टोटल नहीं करते, यहाँ पे व्यू पे क्लिक करते हैं। ठीक है, और ये इस तरीके से आपको दिखेगा। ठीक है, अगर टोटल करना चाहे तो टोटल भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे टोटल कैसे करेंगे, तो TOTAL टोटल लिखेंगे, और टोटल लिख करके यहाँ पर कैलकुलेटेड डेटा टाइप मिलता है। देखिए अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 अगर आप यूज करते हैं तो उसमें कैलकुलेटेड डेटा टाइप नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कैलकुलेटेड डेटा टाइप मिलेगा। तो ये कैलकुलेटेड डेटा टाइप लेकर के यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है, स्क्वायर ब्रैकेट बना करके। इस फील्ड को नाम हमने ऑलरेडी टोटल दे दिया है, अब स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे और यहाँ पे सबसे पहला सब्जेक्ट है कंप्यूटर। तो देखिएगा स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कैपिटल स्मॉल की भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। प्लस का निशान लगाइएगा, फिर यहाँ पे क्या करना है, इंग्लिश करना है, तो यहाँ पे इंग्लिश हो गया, प्लस करना है, फिर यहाँ पे क्या करना है, फिर यहाँ पे मैथ्स करना है, तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट बना के MATHS मैथ्स हो गया। अब यहाँ से बस ओके कर दीजिए तो टोटल होता हुआ नजर आएगा आपको। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मार्क्स डालने हैं तो टोटल ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले नाम RAM राम डाल दिया, यहाँ पे कुछ मार्क्स डालेंगे। ठीक है, तो ये देखिए टोटल अपने आप हो रहा है। फिर यहाँ पे दूसरा नाम, तो यहाँ पे दूसरा नाम कर देते हैं और यहाँ पे कुछ मार्क्स डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टोटल हो गया। फिर यहाँ पे तीसरा नाम, तो यहाँ पे एक और नाम डाल देते हैं और यहाँ पे मार्क्स आएंगे, तो देखिए टोटल हो गया। फिर यहाँ पे अगला नाम डाल देते हैं, ये देखिए तो यहाँ पे टोटल होता हुआ नजर आएगा। फिर यहाँ पर अगला नाम डाल देते हैं, तो ये सारे नाम डाल करके और फिर यहाँ पे टोटल हम कर लेंगे। ठीक है, टोटल ऑटोमेटिक हो जाएगा, करने की जरूरत नहीं। तो देखिए यहाँ पर हम काउंट ये करना चाहते हैं, एक फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं मिनिमम का। मिनिमम तो मिनिमम का फॉर्मूला दो तरीकों से यूज हो सकता है, एक तो एसक्यूएल व्यू में जाकर के और दूसरा डायरेक्टली यहाँ से भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से यूज करने के लिए क्या करना होगा, ये जो टोटल दिया हुआ है ना इसी टोटल पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ टोटल पे क्लिक करते ही ये इस तरीके से आ जाएगा, हमको टोटल का टोटल करना है कि मिनिमम टोटल किस सब्जेक्ट में आया, तो यहाँ पे क्लिक करना है। देखिए टोटल वाला यहाँ पे है ना एकदम ठीक इसी के सीध में आकर के यहाँ पर आइएगा। आप देखिए ये एवरेज दिया गया है, काउंट दिया गया है, मैक्सिमम दिया गया है, मिनिमम दिया गया है, हमें क्या करना है मिनिमम देखना है। तो मिनिमम 155 है, देखिए 155 से कम किसी का नहीं है। ठीक है, अगर आप मैक्सिमम करना चाहते हो तो फिर यहाँ से जाकर के फिर वापिस से वही काम कर सकते हो, यहाँ से जाकर के यहाँ से मैक्सिमम भी देखा जा सकता है। तो यहाँ देखिए ये मैक्सिमम है, तो ये मैक्सिमम कितना है ना 198 है। अगर आप एवरेज कैलकुलेट करना चाहते हो इन सभी का तो ये एवरेज कैलकुलेट हो जाएगा। अगर आप कुछ और इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, सम करना चाहते हो टोटल का, तो यहाँ पे देखो सम हो जाएगा टोटल का। और भी इसमें दिए गए हैं, लाइक यहाँ पे दिया गया स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस, तो तमाम चीजें, काउंट भी दिया गया, तो काउंट करेंगे तो ये कितने हैं 1 2 3 4 5 5 दिखा रहा है यहाँ पे, तो इस तरीके से ये निकाला जा सकता है। ठीक है ना,